श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप किसी भी धर्मस्थल या मंदिर के स्थान पर जाएं तो एक बात जरूर याद रखें, वहां के कुएं, तालाब, नदी, झरने, झीलों का अगर अधिक स्मरण है तो आप उस धर्मस्थल से निकलें तो वहां का स्नान जरूर करें, वहां का जल जरूर पिएं। जैसे जीवन में कभी आप काशी जाएं तो याद रखें कि धन्वंतरी कुएं पर जरूर जाएं और वहां का जल अवश्य पीकर आएं। जहां 24 घंटे महामृत्युंजय का पाठ हो रहा हो, महामृत्युंजय का जाप हो रहा हो, जहां विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र की भक्ति में डूबे रहते हैं, वहां के कुएं, तालाब, झील, झरने आदि का जल जरूर पीकर आएं। शिवपुराण की कथा में बताया गया है कि स्कंद पुराण कहती है, जो दवाई शरीर में ना लग रही हो, जो औषधि शरीर में काम ना कर रही हो, तो एक बार भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र और महाकाल बाबा इन दोनों का स्मरण कर जो औषधि, जो दवा शरीर पर काम नहीं कर रही हो, उस दवा को हाथ में लेकर महामृत्युंजय का मंत्र बोलकर और महाकाल बाबा का नाम लेकर फिर उस औषधि व दवा को खा लीजिए। दावे के साथ कह सकती हूँ, वो औषधि, वो दवा आपके शरीर पर काम करने लग जाएगी, वो दवा अपना असर दिखाना चालू कर देगी और एक हफ्ते से ज़्यादा एक महीने के अंदर ही अंदर आपको वो बीमारी छोड़कर चली जाएगी, आप हमेशा के लिए निरोगी हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि धन्वंतरी जी ने शिव जी से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने धन्वंतरी से कहा, पूछो, क्या पूछना है? तब धन्वंतरी ने कहा, प्रभु जो मेरे पास इतनी औषधियाँ हैं, मैं इनका क्या करूँ? तो मेरे शंकर, मेरे महाकाल बाबा ने कहा, एक कूप यानी कि एक कुआं का निर्माण मैं करता हूँ, आप इसमें सारी औषधियाँ डाल दीजिए। और धन्वंतरी ने सारी औषधियाँ उस कुएं के अंदर डाल दी और भगवान शिव का स्मरण कर धन्वंतरी ने कहा, बाबा कृपा करना, केवल मैंने औषधि नहीं डाली बल्कि जनमानस के विश्वास को ले जाकर डाला है इस कुप में। जो लोग इस कुप में डाली औषधि का जिस विश्वास के साथ लोग जल का आचमन करेंगे, जल को पिएंगे, वैसे वैसे उनका कोई भी रोग हो समाप्त हो जाएगा। तो क्या आप जानते हैं वो कौन सा कुआं था? तो वो कुआं काशी में स्थित धन्वंतरी कुप है, जो आज भी काशी में बहुत ही विख्यात है। जो लोग काशी जाते हैं वो जरूर धन्वंतरी कुएं का दर्शन करते होंगे। और अगर आप वहाँ काशी में जाते हैं और धन्वंतरी कुप का पानी नहीं पीते हैं, तो आज की बात से इस कथा को सुनकर आप जरूर धन्वंतरी कुप का पानी जरूर पिएं, ताकि जो भी आपके रोग हैं वो समाप्त हो जाएं, लेकिन विश्वास के साथ।